फिरोजाबाद में अधिवक्ता की गुंडई सामने आई है। रॉन्ग साइड जाने से मना करने पर ट्रैफिक दरोगा को अधिवक्ता ने गिराकर पीटा, साथ ही वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने अधिवक्ता को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद का है, जहां एक अधिवक्ता ने ट्रैफिक दरोगा को बीच सड़क पर गिराकर जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। देखिए, ये नगला भाव चौराहा है जो तहसील के लिए रास्ता जाता है, इसमें जो है उल्टे साइड से वाहन चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में घटना हुई थी रॉन्ग साइड को लेकर, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब से लेकर सेंसिटिविटी बढ़ गई है, उसी के लोगों से यहाँ पर रॉन्ग साइड रोकने के लिए बैरियर्स लगाए गए हैं। एक वकील जो अपने आप को दिग्विजय सिंह बता रहा है। गुरुवार की सुबह एक अधिवक्ता ने ट्रैफिक दरोगा की इसलिए पिटाई कर दी कि बाइक सवार युवक को रॉन्ग साइड जाने से मना कर दिया था, तो अधिवक्ता अपना आपा खो बैठा और नाश्ते के ठेले पर जाकर पुलिस को गिराने लगा। ट्रैफिक दरोगा ने विरोध किया तो आरोपी अधिवक्ता ने दरोगा को धक्का देकर जमीन पर गिराकर जमकर पीटा। हमारे कांस्टेबल ने उसको रोकने की कोशिश की, उसने गाली गलौज की, और जब कांस्टेबल के सपोर्ट में यहाँ पे TSI आए तो उनको भी उसने धक्का देकर गिराया, उनकी वर्दी फाड़ दी है। अभी अभियुक्त को जो है थाने ले जाया गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की आवश्यक विधिक जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया और आरोपी अधिवक्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। COCT कमलेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, सरकारी कार्य में बाधा डालने पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।